अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है हेल्दी मैक्रोनीज़। तो आएँ इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले थोड़े से ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, अब इसको मैं भून लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊँगी। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको पकाना है। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। इस तरह से ब्राउन हो चुका है ये। अब बाकी की चीज़ें, ये है मटर। मटर जो है वो पके हुए नहीं है और ये श्रेडेड चिकन है। चिकन के इस तरह हाथ से मैंने रेशे कर लिए थे और ये मटर जो है पके हुए नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, चिकन और मटर को लहसुन अदरक के पेस्ट में इसको अच्छे से मिक्स करनी है, क्योंकि मटर बिल्कुल भी गले हुए नहीं है इसलिए इनको पहले पकाना भी है। इस तरह से इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी लेना है और इसके अंदर डाल देना है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि मटर जो है वो गले हुए नहीं है और थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि मटर जो है वो गल जाए। ये देख सकते हैं, इस तरह से दोनों को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी, 8 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूंगी और उसके बाद मटर जो हैं वो थोड़े थोड़े पक चुके हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क इसमें रह गया है, मटर पक चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरह से। इसमें अभी और कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। अब इसके अंदर बाकी की सारी चीज़ें मैं ऐड करने जा रही हूँ। गाजर मैंने देखें बारीक कट कर ली थी, एक ही साइज़ में, ये देख सकते हैं आप, बारीक कट करनी है। अच्छी सी कटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और ये बंद गोभी है, बंद गोभी भी बारीक कट कर ली। अब इसके अंदर मैंने बंद गोभी और गाजर को एक साथ डाल दिया। देख सकते हैं ये अभी इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी लग रही है। अब इसके बाद गाजर और बंद गोभी के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी शिमला मिर्चें और प्याज। शिमला मिर्च जो है मैंने इसी तरह से गाजर की तरह पतली पतली कट की और ये इसके अंदर ऐड कर दी। देख सकते हैं, अब थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर ये थोड़ी सी ऐड करनी है। अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्चें ऐड की और ये 2 स्पून्स चिली गार्लिक सॉस के ऐड किए। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि मसाला जो है वो सारी जगह पहुंच जाए। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करना है और हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है इस तरह से। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें और लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करनी है ताकि जो भी मसाले मैंने ऐड किए हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी, 4 मिनट्स के लिए इसको मैंने कवर किया था और 4 मिनट के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, सब्ज़ी को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हेल्दी रेसिपी है इसलिए इसको हेल्दी ही रहना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी कच्ची होगी, बहुत ज़्यादा इसको पका के इसका हलवा नहीं बनाना। इस तरह से ये मिक्स करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी जो है नज़र भी आ रही है इसके, ज़्यादा पकी भी नहीं है। और ये ओरिगानो पाउडर है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ओरिगानो पाउडर ऐड किया है। इस तरह से इसके अंदर ऐड किया, अब इसको मैं मिक्स करूंगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मैक्रोनीज़, ये मिक्स मैक्रोनी है, इसमें स्प्रिंग वाली भी है, एल्बो भी है और 2-3 और भी हैं। इस तरह से अब इसको मैं मैक्रोनी मैंने ऐड कर दी।
इसको हल्के हाथों से मैं मिक्स करूँगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाना है। इस तरह से देख सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये है चिली सॉस, चिली सॉस है ये, मैं 1 स्पून जो है इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो बेशक ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 1 स्पून जो है चिली सॉस डाली। सोया सॉस मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी, यानी 2 स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस के ऐड किए। और ये है विनेगर, सिरका जो है वो मैं 1/2 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। सिरका ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद ये रेडी है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा पकी हुई नहीं है, ये आपको साबित नज़र आ रही है, और इसी तरह से होनी चाहिए, तभी एक मैक्रोनी जो है वो हेल्दी होती है। चले जी, इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इस तरह से इसको मैं डिश आउट करूँगी, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे फिर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। थोड़ा सा इसके ऊपर केचप मैंने ऐसे करके डाला, और अब इसको ट्राई करूँगी कि किस तरह से बनी है। ये दिखने में इतनी मज़े की लग रही है, और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और मेरी रेसिपीज़ को एंड तक देखा करें, और कमेंट भी किया करें। थैंक यू।